हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 टॉपिक नंबर 18.4। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। स्टूडेंट न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। क्या होती है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन? इसके नाम से जाहिर है कि न्यूक्लियस का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना, यानी न्यूक्लियस का प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाना। होता क्या है बेसिकली कि जैसे हम इसको अगर समझना चाहते हैं तो वुड की एग्जांपल हमारे लिए बेस्ट है। अगेन मैं वही एग्जांपल कोट करूंगा कि वुड हमारे पास जब जलती है हीट प्रोवाइड करती है तो उसके बाद क्या होता है, वो कोयले में चेंज होती जाती है। अब रेडिएशन यानी हीट रेडिएशन को इमिट करने के बाद वो वुड से कोल में चली गई, तो रेडिएशन निकाली उसने हीट की और किसमें चेंज होगी, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होगी। हम कोल की बात करते हैं, उसको जलाते हैं तो वो ऐश में चेंज हो जाता है हीट रेडिएशन को इमिट करने के बाद। तो इसी तरह से आप यूं मान लें कि ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये रेडिएशन को इमिट करने के बाद एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब हम इसको समझ लेते हैं यहां से इंट्रोडक्शन से। बच्चे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है खुद ब खुद स्टार्ट होने वाला प्रोसेस जिसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज इनटू अ मोर स्टेबल डाटा न्यूक्लियाई बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। यानी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, क्या होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसके पास प्रोटॉन 82 से ज्यादा होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। रेडिएशन को एमिट करने के बाद वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो बेसिकली एक अनस्टेबल होता है, जब वो रेडिएशन को एमिट करता है तो वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो। जो पहली फॉर्म थी उसको हम कहते हैं पेरेंट, और जो चेंज हो गई नई फॉर्म बनी इसको बोलते हैं हम डॉटर न्यूक्लियाई। तो बच्चों इसकी थ्री टाइप्स होती है, नंबर वन अल्फा, बीटा एंड गैमा डिके। अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके, तीनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको यह बता दूं कि अल्फा बीटा गैमा क्या होता है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं। सबसे पहले आपको यह चीज याद रखनी है। तो बच्चों आपको बता दूं जो अल्फा होता है वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होता है। हीलियम न्यूक्लियाई का क्या मतलब कि हीलियम के एटम में से दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वन पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसमें थे ही दो इलेक्ट्रॉन, वो हमने निकाल दिए। अब सिर्फ और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बच गया है, तो He टू एटॉमिक नंबर, फोर एटॉमिक मास और टू पॉजिटिव का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, यानी सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों इसी तरह से इसका आपने याद रखना है, तो अल्फा का एटॉमिक नंबर टू होता है, एटॉमिक मास फोर होता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं अगर हम बीटा की, तो बीटा पार्टिकल बेसिकली हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, हमारे पास माइनस वन चार्ज होता है। बच्चों इसका एटॉमिक नंबर माइनस वन होता है, एटॉमिक मास जीरो होता है। क्यों एटॉमिक मास जीरो होता है, इसलिए जीरो होता है कि इसके पास एक भी प्रोटॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के अंदर तो कोई प्रोटॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या होगा, जीरो। तो आपने याद रखना है कि बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर माइनस वन होता है जबकि एटॉमिक मास जीरो होता है। गैमा की बात करेंगे तो गैमा जो है उसका एटॉमिक नंबर भी जीरो होता है, उसका एटॉमिक मास भी जीरो होता है। गैमा इज नॉट अ पार्टिकल, अल्फा एक पार्टिकल है, बीटा एक पार्टिकल है, लेकिन गैमा रेडिएशन है, पार्टिकल नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा और गैमा डिके को। बच्चों गौर से सुनना है, बस एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है, ये सबके सब ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। क्या करना है आपने, फर्स्ट कर ले हमारे पास एक एटम है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फा डिके को। अगर ये एटम अल्फा रेडिएशंस को यानी अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करने के बाद अनस्टेबल से स्टेबल में चेंज होता है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा डिके। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं एक एटम है एक्स, एटॉमिक नंबर उसका जी है, एटॉमिक मास इसका ए है। अगर ये अल्फा एटॉमिक अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलेगा तो आपने क्या करना है, अल्फा का एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे, अल्फा अल्फा का एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास से माइनस कर देंगे। अब देखिए जरा, अल्फा का एटॉमिक नंबर क्या था टू, मास क्या है फोर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, मास क्या है ए। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके एटॉमिक नंबर में से देखिए टू माइनस किया, ये एटॉमिक नंबर से टू माइनस हो गया। इसी तरह से जो एटॉमिक मास की बात करेंगे, मास इसका था ए, तो अल्फा का मास कितना है फोर, इसमें से
माइनस कर देंगे, यानी इसके एटॉमिक नंबर से अल्फा का एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, इसके एटॉमिक मास में से अल्फा का एटॉमिक मास माइनस कर दिया। तो अब आपके पास ये जो है वो वाई, यहां पर एक्स था ये वाई, अब आप पूछेंगे वाई क्यों लिखा, वो इसलिए क्योंकि जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है तो एटम ही चेंज हो जाता है। तो यहां पर अगर एक्स है तो ये अब यहां पर वाई, क्यों वाई, इसका पहले एटॉमिक नंबर जी था, अब जी माइनस टू, उससे टू माइनस करें जी से, कुछ भी वैल्यू हो मगर ये सेम तो नहीं है ना, जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो एटम बच्चों चेंज हो जाता है, इसलिए यहां पर आप वाई लिखेंगे। ओके, प्लस आपके जो इसमें से निकले है जीन, जो अल्फा पार्टिकल निकला है वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, यहां पर आपने लिख लिया एच ई टू प्लस फोर, ये जो इसमें से माइनस होके आया वो यहां पर पड़ा हुआ है, प्लस एनर्जी इसमें बनेगी तो ई आपने साथ में लिख देना। ओके, तो अब ये तो था एक जनरल एक्सप्रेशन, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एटम है आर ए रेडियम है, कि रेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 88 होता है, एटॉमिक मास 226 होता है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स को निकालता है तो वेरी सिंपल, आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि अल्फा का एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, अल्फा का एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास से माइनस करेंगे, तो अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 मास 4 होता है, तो आपने क्या करना बच्चों, 88 में से 2 माइनस करेंगे तो 86 आ जाएगा, अब 226 में से 4 माइनस करेंगे तो 222 आ जाएगा। अब ये एटम चेंज हो गया, ये पहले रेडियम था जब इसका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर 88 था, अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 86 बन गया है, अब ये रेडियम नहीं है, अब ये रेडोन है, तो रेडोन का एटॉमिक नंबर 86 होता है। देखिए पहले रेडियम था अब रेडोन में चेंज हो गया, तो न्यूक्लियस एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, साथ में ये अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ प्लस एनर्जी निकलेगी साथ में। तो बच्चों इस तरह से हम अल्फा डीके को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। फिर हम बात करते हैं बीटा डीके की, तो बीटा डीके में क्या होगा, वो ऐसा कोई न्यूक्लियस जो कि बीटा पार्टिकल्स को एमिट करने के बाद डीके होता है, उसको हम बोलते हैं बीटा डीके, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होता है। अब बच्चों यहां पे आपने बात जरा गौर से नोट करनी है, चीज वही है, आपको मैंने बताया बीटा बेसिकली स्ट्रीम ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर -1 होता है, एटॉमिक मास होता है 0, तो जिसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा आपने बीटा का एटॉमिक नंबर उसमें से उसके एटॉमिक नंबर से माइनस करना है, उसका एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास से माइनस करना है। तो बच्चों देखो आपके पास सपोज एक अगेन हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जी है, एटॉमिक मास ए है, तो जब इसमें से अल्फा पार्टिकल माइनस होगा तो क्या होगा, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जेड प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक्चुअली हमने किया इसमें से माइनस ही है, बीटा का जो एटॉमिक नंबर था वो इसके एटॉमिक नंबर से माइनस किया है, ये देखें जेड माइनस माइनस 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस जेड प्लस 1, ये बन जाता है आपके पास। और उसके बाद फिर क्या करना है, बीटा का एटॉमिक मास कितना होता है 0, तो इसके एटॉमिक मास में से 0 को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 0 मीन नथिंग, तो आपको ए ही मिलेगा। इस तरह से एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ, साथ में बीटा पार्टिकल ये आ गया जो इसमें से निकला है, प्लस इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमारे पास एक आइसोटोप है कार्बन, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास है 14। अब बच्चों क्या होता है, ये अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करने के बाद ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, हमारे पास है नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। कैसे, अब देखें मैंने बोला इसमें से आपने एटॉमिक नंबर से बीटा का एटॉमिक नंबर माइनस करना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, माइनस किसको करना है, बीटा का एटॉमिक नंबर क्या है माइनस 1, तो क्या बन जाएगा आपका माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 7 बन गया, तो इसलिए जो एटॉमिक नंबर यहां पर आया आपके पास 7 बना। अब इसका एटॉमिक मास 14 है, बीटा का एटॉमिक मास 0 है, 14 माइनस 0 14 ही रहेगा, तो इस तरह से ये अब इसका एटॉमिक नंबर 7 आया, तो ये एटम अब कार्बन नहीं था, अब ये नाइट्रोजन बन गया, तो कार्बन जो है वो रेडिएशंस को इमिट करने के बाद नाइट्रोजन में तब्दील हो जाता है। तो ये है न्यूक्लियस की एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील होना, ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये हमारे पास डाटर न्यूक्लियाई है, और ये वो रेडिएशन है जो इसमें से निकली है प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, लास्ट में हम बात करेंगे गामा डीके की, तो बच्चों गामा जो है उसका एटॉमिक नंबर भी 0 होता है, एटॉमिक मास भी 0 होता है। गामा जो है वो पहली बात ये है कि खाली सेपरेट गामा इसमें से निकलेंगे, जब भी इसके होता है ये बेसिकली इसमें जो दूसरे पार्टिकल अल्फा और बीटा निकलते हैं तो उनके साथ ही ये गामा भी निकल रहा होता है। तो यहां पर मैं चले आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास एक एग्जाम्पलरी एटम है एक्स,
ए और जी इसका ए एटॉमिक मास नंबर और जेड इसका एटॉमिक नंबर है, इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया ताकि डिफरेंस हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर आपको इसमें और इसमें फर्क करने के लिए मैंने इस पे स्टार लगा दिया, इसमें स्टार नहीं लगाया। जब इसमें से गैमा रेडिएशन निकलती है तो गैमा रेडिएशन निकलने के बाद ये वही एटम रहता है, एटम तब्दील नहीं होता, जस्ट इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजिंग आ जाती है, प्लस गैमा रेडिएशन इसमें से निकलेंगे और साथ में क्या होगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल में कोबाल्ट ले लेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, एटॉमिक मास जो है इसका 60 होता है। जब इसमें से गैमा पार्टिकल्स सॉरी गैमा रेडिएशन निकलेगी, याद रखें गैमा इज नॉट अ पार्टिकल, गैमा बेसिकली रेडिएशन है, तो जब इसमें से गैमा रेडिएशन निकलेगी तो ना तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही इसका एटॉमिक मास चेंज होगा, बल्कि पहले स्टार लगा हुआ था अब स्टार नहीं है, जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर इसमें चेंज आ जाएगा। ओके, और साथ में गैमा रेडिएशन निकलेंगी प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों ये था हमारा आसान सा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें आपने सीखा कि जब न्यूक्लियस रेडिएशन को इमिट करता है तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो जाता है, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो क्या याद रखना था आपको, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा जिस भी एटम में से निकलेगा उसमें से एटॉमिक नंबर से अल्फा का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, उसके मास में से अल्फा का एटॉमिक मास माइनस करेंगे। जब बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो बीटा का जो एटॉमिक नंबर है वो उस एटम के एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे और बीटा का एटॉमिक मास उसके एटॉमिक मास से माइनस करेंगे। जब गैमा की बात आई, गैमा में एटॉमिक नंबर भी जीरो होता है, एटॉमिक मास भी जीरो होता है, तो ना तो एटम का एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक मास चेंज होता है, बल्कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, तो आप स्टार लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। ओके, तो बच्चों ये था हमारा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब आपने पढ़नी है जी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गैमा रेज, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बच्चों बहुत इजी है, मैंने पॉइंट्स बना दिए, इसी तरह से आप पेपर में भी लिख सकते हैं, बेस्ट वे है इसको लिखने का, लंबे पैराग्राफ को पॉइंट्स बना दिए। पहला, अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया Ha2O4, ये Ha हीलियम है, दो एटॉमिक नंबर, 4 इसका एटॉमिक मास, 2 पॉजिटिव, इसलिए आया क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों निकाल दिए गए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बचता है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्वांटिटी कितनी होती है चार्ज की, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इतना एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और किस में से अल्फा पार्टिकल ये निकलते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें से ये अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन होती है। नेक्स्ट जो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज वो लिखेंगे बीटा की। तो बच्चों बीटा के बारे में भी 3 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बीटा क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी बता चुका हूं बीटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास इसके हैं कि बीटा पार्टिकल, ये भी पार्टिकल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, तो ये भी पार्टिकल है हमारे पास। चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड पॉइंट, कौन सा एटम ऐसा होता है जो कि बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन डिके बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल, ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ओके, यानी बीटा रेडिएशन को वो इमिट करता है। ओके बच्चों, लास्ट में हमारे पास बात करेंगे गैमा रेडिएशन की, गैमा क्या होती है, हमारे पास फास्ट मूविंग हाई लाइट फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स बेसिकली एनर्जी के लाइट के पैकेट्स होते हैं, आप कह सकते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं उसको, तो ये बेसिकली क्या होती है, आप यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। लास्ट में जो पॉइंट आप क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, एमिटेड बाय द अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियाई, एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो है वो इन रेडिएशन को इमिट करता है। आप क्वेश्चन करेंगे एक्साइटेड न्यूक्लियाई क्या होता है, तो बच्चों देखिए जब आप एटम को एनर्जी देते हैं उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, जब एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो इस शेल को छोड़ के बड़े शेल में चला जाता है, अब वहां ये परमानेंटली नहीं स्टे करेगा, वापस आता है अपने प्रीवियस शेल के अंदर, तो वो जो कुछ एनर्जी जो उसने ऑब्जॉर्ब की थी वो वापस इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो जो उसने रेडिएशन इमिट कर दी थी वो हमारे पास गैमा रेडिएशन है। तो इस तरह से हम इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं अल्फा बीटा गामा की वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, पेपर के अंदर आसानी से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।